हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड एंड स्टॉक्स वंस अगेन टुडे। कमजोर बाजार में इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार तेजी के साथ में आज अपना नया 52 वीक हाई लगाया है। स्टॉक का नाम है डालमिया भारत। देखिए, डालमिया ग्रुप एक बहुत ही जाना माना ग्रुप है जो बेसिकली शुगर सेक्टर के अंदर भी है और सीमेंट सेक्टर के अंदर भी कामकाज करता है। इनफैक्ट रिफैक्ट्रीज के अंदर भी यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस हमें देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिकली देखिए ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रखी है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज स्टॉक के अंदर आई है जिसने आज यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से आप कह दीजिए आग लगा दी और मार्केट एक तरफ गिरता रहा, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही तेजी के साथ में इसने नए 52 वीक हाई छुए। हालांकि मार्केट क्लोज होते होते इसने अपनी वो पूरी बढ़त जो है वो गवा दी थी और एक बड़ी बेयरिश कैंडल के साथ में यहां पर क्लोजिंग होते हुए हमने देखी है। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, हमें ये जानना जरूरी है कि डालमिया भारत के अंदर वो कौन सी न्यूज आई है जिसकी वजह से इतने बड़े मूव की हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी जो आज हमें देखने को मिला है, और ये क्या कंटिन्यू रहने वाले आने वाले टाइम में या फिर नहीं, ये चीज भी देखिए हमें यहाँ पर देखनी होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, देखिए ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हाईली वोलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है क्योंकि कोरोना के केसेस वापस से बढ़ रहे हैं। अब तो इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा केसेस वापस से बढ़ने लगे हैं, और अगर आलम यही रहा तो वापस से आप यकीन मानिए लॉकडाउन की सिचुएशन आते हुए देर नहीं लगेगी। जिस तरीके से यहाँ पर अब कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, आपने देखा है कि हर दिन के नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं पिछले दिन से, यानी कि ग्राफ जो है वापस से यू टर्न लेके ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है, और यहां पर देखिए फिर से हमें यही चीज देखनी होगी कि डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल किस करवट बैठता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, वही चीज हमारी कल के स्टॉक मार्केट पर रिप्लीकेट होने वाली है। इसलिए कोई भी न्यूज आती है स्टॉक मार्केट में भी किसी भी स्टॉक पर्टिकुलर के लिए तो बहुत थोड़े टाइम के लिए उसके ऊपर पॉजिटिव असर डाल सकती है, लेकिन उसके बाद में आपने देखा है तमाम स्टॉक्स के अंदर जो आज बड़ी तेजी के साथ थे वहां पर हमने एक गिरावट ही मार्केट क्लोज होने तक देखी है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, किसी भी स्टॉक के अंदर इसी तरीके से पोजीशंस नहीं बनानी है, या फिर मैं कह दूं कि मोमेंटम के साथ एंट्री लेनी है और मोमेंटम जाने से पहले उसके अंदर से एग्जिट लेना है, सो दैट कि आप अपने ट्रेड को एक अच्छी डायरेक्शन दे पाए, पॉजिटिव वैल्यू कमा के वहां से निकल पाए। अदरवाइज आपको बहुत ऊपर के लेवल पर फंसना पड़ सकता है क्योंकि मार्केट अभी भी वीकनेस के उसी दौर के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले मैं देखिए आपको दिखा रहा हूं पहली न्यूज जो डालमिया भारत के अंदर आई है, उसके बाद में एक बड़ी ग्लोबल रिसर्च फर्म ने इसके टारगेट्स को रिवाइज किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और शायद यही दो बड़े रीजन थे जिसकी वजह से आज इसने अपना नया 52 वीक हाई लगाया। तो देखिए डालमिया भारत लिमिटेड का ये 16 मार्च 2021 का एक कम्युनिकेशन लेटर है, और यहां आप देखिए मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं कि कुछ सालों से डालमिया भारत लिमिटेड का एक विवाद चल रहा था, इनके म्यूचुअल फंड जिनकी वैल्यू 344 करोड़ रुपए है वो फ्रॉड तरीके से इलीगली ट्रांसफर कर दिए गए थे एलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, किसको, IL&FS सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड को। ध्यान दीजिए, फिर आपको बता देता हूं, इस कंपनी के 344 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स को एलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने साठगांठ करके IL&FS सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड को बेसिकली दे दिए थे, और ये केस जब इनके सामने आया इन्होंने बकायदा उसके ऊपर शिकायत दर्ज करी, इसके ऊपर FIR लिखी गई, और वो केस काफी लंबा चला, और अब फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इनको वो 344 करोड़ रुपए वैल्यू के म्यूचुअल फंड्स देने की यहां पर इजाजत दे दी है। यानी कि कंपनी के पास एक तरीके से 350 करोड़ रुपए अब आपको आते हुए दिखाई देंगे, और ये वो न्यूज थी जिसके बेसिस पर आज बहुत बड़ा मूव हमने इस स्टॉक के अंदर देखा है। और डिटेल में अगर आप देखिए इस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ सकते हैं, BSE इंडिया की साइट पर आज दिया हुआ है। ये कि क्या लिखा है, इंटीमेशन ऑफ इवेंट अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ SEBI अपडेट ऑन इलीगल एंड अनऑथराइज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन म्यूचुअल फंड यूनिट्स फ्रॉम डीमैट अकाउंट ऑफ अवर सब्सिडियरी, ये पूरी डिटेल के अंदर यहां पर दिया हुआ है क्या कुछ हुआ था। दूसरा देखिए एक अपडेट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं यहां पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, जहां पर आप देखेंगे कि CLSA जो एक ग्लोबल रिसर्च फर्म है उन्होंने इस स्टॉक के ऊपर अभी बाय रेटिंग मेंटेन करके रखी है, और साथ ही में अपने टारगेट को 1900 रुपए तक कर दिया है फ्रॉम 1650 पर शेयर। 1650 रुपए के टारगेट से 1900 रुपए के टारगेट अब CLSA ने दिए हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था
जिसकी वजह से आज स्टॉक ने इतनी जबरदस्त तेजी दिखाई है। देखिए इनका कहना है बेसिकली इन करंट वैल्यूएशंस पर डालमिया भारत इज वेल प्लेस्ड इन दिस अप साइकिल। ये जो अपमूव चल रहा है ये बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, यानी कि वैल्यूएशंस के लिहाज से जस्टिफाई हो रहा है ये जो मूव है, और इसीलिए आने वाले टाइम में आप इसके अंदर 1900 रुपए तक के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। द सीमेंट मेकर रिपोर्टेड मल्टी फोल्ड जंप इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू रुपीज 183 करोड़ फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2020 हेल्प्ड बाय सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ एंड इंक्रीज इन मार्जिंस। तमाम सीमेंट सेक्टर की कंपनीज के अंदर बहुत तेजी देखने को मिली थी, और इसी तरह से देखिए यहां पर मल्टी फोल्ड जंप प्रॉफिट्स के अंदर हमें देखने को मिला डालमिया भारत के Q3 रिजल्ट्स के अंदर, जो 143 करोड़ तक इनका नेट प्रॉफिट पहुंच गया था। तो ये कंपनी देखिए लगातार एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रही है, और साथ ही में अब तो इनके पास में 350 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स वापस आ गए हैं, जो इनका बेसिकली एक तरीके से आप समझ लीजिए एसेट थे। तो अब यहां से आपको काफी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं, और यहां पर CLSA की रिपोर्ट भी काफी पॉजिटिव यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है इस स्टॉक के अंदर। तो काफी बुलिश है CLSA, और देखिए इसीलिए आज आप देखेंगे कि नया 52 वीक हाई लगभग 1690 रुपए का आज का इसने लगाया है, जबकि क्लोजिंग होते होते 1558.60 रुपए पर क्लोजिंग हुई है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा मूव आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला पिछले प्रीवियस क्लोज से, जो 1523 पर था, लेकिन क्लोज होते होते मार्केट की गिरावट की वजह से यहां पर सारी तेजी इस स्टॉक ने भी गवा दी। और देखिए ट्रेडर्स ने यहां पर इंट्राडे में काफी अच्छे पैसे कमाए हैं। 402 रुपए का 52 वीक लो था 24 मार्च 2020 को। ये आपको समझना चाहिए कि इन लो लेवल से स्टॉक इतना जबरदस्त राइज कर चुका है। सिक्योरिटी प्लस डिलीवरी पोजीशंस आप देखेंगे 11 लाख से ज्यादा शेयरों के अंदर यहां पर ट्रेडिंग हुई है, 6 लाख से ज्यादा शेयरों के अंदर डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई, और 54% से ज्यादा की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आपको आती हुई दिखाई दे जाएगी। यानी कि देखिए CLSA का जो अपग्रेडेशन है उसके ऊपर दमखम भरते हुए दिखाई दिए स्टॉक मार्केट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। देखिए आपको एक चीज और समझाता हूं दोस्तों मैं यहां पर, कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज कभी कम नहीं होने वाली है। हम लोग किसी ना किसी कारण की वजह से रुक जरूर जाते हैं, लेकिन अभी हमें इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसमें भी आप देखेंगे कि जितने भी NEs बन रहे हैं, यानी कि नेशनल एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, वहां पर आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा सीमेंट का यूज किया जा रहा है, सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही हैं बहुत बड़े स्केल पर, और देखिए इसी वजह से सीमेंट सेक्टर के अंदर इतना जबरदस्त बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सीमेंट की डिमांड और मेटल्स की डिमांड कभी यहां पर कम नहीं होने वाली है। तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं देखिए साइक्लिकल, ये अगर नीचे आते हैं तो वहां पर आपको बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए, और ये टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना टाइम आप इनको देंगे उतना ही ज्यादा ये पैसा कमा के आपको दे सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको उन चुनिंदा शेयरों के अंदर निवेश करना होता है जहां पर फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, जहां पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो प्लेज ना रखी हो, भले ही वो स्टॉक कितना भी भाग रहा है किसी भी र्यूमर के बेसिस पर, किसी भी स्टॉक के बेसिस पर, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आपको फंडामेंटल्स चेक करने हैं कि ऐसी कंपनी के अंदर आप पैसा लगाएं जिसके प्रमोटर्स के पास में डेट कम हो, जिन्होंने अपनी प्लेज प्रमोटर्स को बिल्कुल जीरो रखा हुआ हो, और उनका बेसिकली जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी साथ के साथ पीरियोडिकली इंक्रीज करता हुआ जा रहा हो, यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन के ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूं डालमिया भारत उनमें से एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आप इसी तरीके के मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बहुत लंबे टाइम से देखिए कंसोलिडेट हो रहा था ये इन लेवल्स के ऊपर जो इसने आज ब्रेक करे हैं, ये तकरीबन जो लेवल है 1550 के, लेकिन देखिए पूरा प्योरली न्यूज बेस्ड था, और यहाँ पर जो दो पॉजिटिव खबरें आई उसका असर हमने आज देखा कि इस स्टॉक ने इतनी जबरदस्त तेजी दिखाई है। पुराने दो महीने के रेंज बाउंड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला, लेकिन आज सारी की सारी वो तेजी इसने गवा दी, और क्लोजिंग होते होते 1562 रुपए के आसपास की क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स देखेंगे बहुत शानदार स्पाइक हुआ वॉल्यूम्स के अंदर भी, और ये इंडिकेशन है कि देखिए यहां पर एक पॉजिटिविटी बनती जा रही है आने वाले टाइम के लिए। RSI की बात करेंगे तो ओवर एक्साइटेड जोन में ये आ चुका है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है, जिसको हम 73 पॉइंट्स के ऊपर अभी देख रहे हैं, और यहां से फिलहाल भी अभी देखिए थोड़ा सा मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मार्केट्स की जो अनसर्टेनिटी है वो वापस से तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं इस वक्त किसी भी अच्छे या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस बनाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर जरूर है मार्केट्स को कि अगर यहां पर कोई भी शार्प करेक्शन आता है तब आपको मार्केट्स के जितने भी अच्छे दिग्गज स्टॉक्स हैं वो डेफिनेटली थोड़े बहुत 5-10% का करेक्शन जरूर दिखा देंगे, और इसलिए कहीं ना कहीं देखिए जो पोटेंशियल बायर है
वो अभी वेट कर रहा है वापस से उन्हीं लेवल्स पर आने का, देखिए जहां बेसिकली वैल्यूएशंस मैच कर रही हैं। तो देखिए मैं भी ये चीज समझता हूं कि जिस तरीके से आज का मूव ये पूरा वाइप आउट हो गया है, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। कल का या फिर मैं कहता हूं इस पूरे हफ्ते का मूव डालमिया भारत के अंदर कैसा रहता है वो हमें देखना होगा कि इस 1550 रुपए के लेवल्स को ही सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर किसी भी गिरावट के अंदर ये वापस से ब्रेक होके नीचे की तरफ आता है तब डेफिनेटली आपको यहां पर कोई पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए और फर्दर मार्केट के मूव के हिसाब से इसके अंदर आगे का कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये कंडीशन रहेंगी देखिए हाल फिलहाल की, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप बात करें तो मैं ये समझता हूं कि 50 डेमा का जो इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके आसपास उसके नियर बाय एरियाज में एग्जैक्टली वहां आना बहुत मुश्किल है इसका जब तक कोई बड़ा फॉल नहीं होता, लेकिन अगर उसके आसपास भी आपको मिल जाता है यानी कि आज की तारीख में ये 1300 से लेके और 1400 के बीच में अगर कहीं आपको मिलता है तो वो बेस्ट पोजीशन होंगी डालमिया भारत के अंदर पोजीशंस बनाने की। एक साल का अगर मैं इसको व्यू देके चल दूं तो मैं समझता हूं कि एक साल के अंदर ये आपको 2000 रुपए के लेवल्स पर भी ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है कि जब आपकी एंट्री हो तो वो लोएस्ट लेवल पे हो और जब आपका एग्जिट हो तो वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट लेवल पर हो। हालांकि बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीजें पैन आउट करना, लेकिन फिर भी कोशिश आपको यही करनी चाहिए, एक्साइटमेंट में बाइंग पोजीशंस आपको नहीं बनानी चाहिए। तो ये मेरा व्यू है डालमिया भारत के ऊपर कि थोड़ा सा रुके, इसको 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आने दें तभी इसके अंदर कोई भी बाइंग पोजीशंस बनाए। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने ट्रेंड लाइन स्टॉक्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।